हमारी कामयाबी या हमारी नाकामयाबी में सबसे बड़ा रीजन क्या है, वो वजह क्या है जो किसी को कामयाबी से नाकामयाबी तक या नाकामयाबी से कामयाबी तक पहुंचा देती है। इसका जवाब विराट कोहली साहब देते हैं। उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था टेक्निकल गुरुजी के साथ, तो जब गुरुजी उनसे पूछते हैं कि आप ये बताइए कि आपके लिए सबसे मुश्किल क्या चीज है, आप किस चीज को मैनेज करने में सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करते हैं, तो विराट कोहली साहब एक शब्द में जवाब देते हैं, बोलते हैं माइंडसेट। फिर से सुनिए, माइंडसेट। विराट कोहली साहब कहते हैं यही वो चीज है जो किसी से कुछ भी अचीव करवा सकती है, और इसी चीज को मैनेज करना मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमारा माइंडसेट नेगेटिव बड़ा जल्दी हो जाता है। जब हमें किसी चीज की शुरुआत करनी होती है या हमें कुछ अलग करना होता है, समाज से हटके दुनिया के बनाए गए नियमों को तोड़कर कुछ ऐसा जो थोड़ा मुश्किल हो, तो हमारा दिमाग पहले यह कहता है कि अगर नहीं हुआ तो। यही है माइंडसेट, और इसी को मैनेज करना विराट कोहली साहब को भी बड़ा मुश्किल लगता है, और वो बताते भी हैं कि यही सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज भी है। आप एक बार खुद सोच के देखिए कि जब आपको कोई नया चीज शुरू करना होता है, आपको क्रिकेटर बनना होता है, खुद को एक टॉपर बनाना होता है, कोई बिजनेस शुरू करना होता है, तो आपके दिमाग में पहले क्या आता है? सब तो ठीक है लेकिन अगर नहीं हुआ तो। यही चीज तो बताना चाहते हैं कोहली साहब कि इसी को तो सही करना है। कहते हैं सबसे ज्यादा काम इसी पे करना होता है। हमें लगता है हमें क्रिकेटर बनना है तो हमें फील्ड में पसीने बहाने में प्रैक्टिस करने में सबसे ज्यादा मेहनत लगेगा, या टॉपर बनना है तो हमें पढ़ाई में किताबों के साथ जूझना होगा। लेकिन वो सेकेंडरी चीज है कोहली साहब के अनुसार। वो कहते हैं जो सबसे जरूरी चीज है वो पहले अपने माइंडसेट को सही करना। तो मेरा आपको यही सुझाव है कि मेरी बातों को नहीं तो कम से कम कोहली साहब की बातों को मानिए, क्योंकि वो आज उस लेवल पे हैं जहां पहुंचने के हर कोई सपने देखता है। सिंपल आपको यही करना है कि अगर आप कुछ भी शुरू करने जा रहे हैं तो जो पहले से आपकी आदत बनी हुई है, चीजों को पहले नेगेटिव में देखना, नकारात्मक सोच के साथ देखना कि अगर नहीं हुआ तो, फेल हो गया तो, लोग मजाक उड़ाएंगे, तो इसी चीज को चेंज करना है। चेंज क्या कहूं, तो इसी चीज को रिप्लेस करना है किन चीजों के साथ, अगर हो गया तो, अगर मैं जो चाहता हूं वैसा मैं करने में सफल हो गया तो, अगर मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया तो। आप एक बार खुद अभी करके देखिए कि आप जिस चीज की शुरुआत करने में काफी समय से अटके हैं केवल इस वजह से कि अगर मेरे से नहीं हुआ तो अभी और इसी वक्त इस चीज को इस बात से बदल दीजिए कि अगर हो गया तो। खुद ही आपकी माइंडसेट में, आपके एनर्जी लेवल में एक बड़ा अंतर महसूस होगा। तुरंत इसी वक्त इसे करिए और इसी को मैनेज करने में ज्यादा वक्त लगाइए, कि किसी भी चीज में नेगेटिव चीज देखने से पहले हम पॉजिटिव देखना सीखें। कोहली साहब यही बताना चाहते हैं और यही सभी सफल लोगों की सफलता का सबसे बड़ा राज है जो हर कोई बताता नहीं। तो आज जब आपको ये सीक्रेट पता चल गया है तो इसका इस्तेमाल करिए। मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें एक गजब की लाइन लिखी थी कि लोगों की असफलता की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। सुनिएगा ध्यान से, लोगों की असफलता की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को, अपनी समस्याओं को ओवर एस्टिमेट करते हैं। यह भी एक माइंडसेट है जो कि नेगेटिव माइंडसेट है। आपको खुद को ओवर एस्टिमेट करना है और समस्याओं को अंडर एस्टिमेट करना है। देखिएगा आप एक दिन बुलंदियों पे पहुंचेंगे। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं।